हेलो डियर्ज आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारी इकॉनमी में चेंजेस को मेज़र करता है सिलेबस वाइज जो टॉपिक एलेवंथ ग्रेड से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक डिफरेंट कोर्सेज में टीच किया जाता है और ये सिर्फ कोर्सेज़ uh, के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं है जे कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम अगर हम फेस करते हैं तो इसमें भी इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन uh, हमें मिलेंगे आज हम इसका थेरोटिकल बैकग्राउंड इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे तो मेरे ख्याल से ये एक नॉर्मल पब्लिक के लिए भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा बिकॉज इकोनॉमी में डेली चेंजेस हो रही हैं उन चेंजेस को कैसे मेजर किया जाता है हम इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे उससे पहले मैं एट प्रेजेंट होने वाली चेंजेस का एक रेफरेंस दूंगा जैसे हम सभी इस बारे में जानते हैं कि कोविड नाइन्टीन क्या है इसका हमारी लाइफ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बहुत से इम्पैक्ट्स आ रहे हैं अगर हम डायरेक्ट इम्पैक्ट्स की बात करते हैं तो हमारे पास 7.5 मिलियन लोग कोविड पॉजिटिव पाए जा चुके हैं या इससे भी ज़्यादा संख्या हो गई होगी अब तक और उसमें से चार लाख ,00 से ज़्यादा की मौत हो चुकी है ये सभी लोग अगर हम पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली फाइंड आउट करें तो जीरो पॉइंट वन परसेंट बनते हैं मींस आउट ऑफ थाउजेंट वन परसेंट कोविड पॉजिटिव पाया गया है लेकिन उसमें से फिफ्टी परसेंट से ज़्यादा अभी हम रिकवर भी कर चुके हैं ये तो वन साइड थी डायरेक्ट इम्पैक्ट्स की तो दूसरी तरफ हम बात करते हैं इनडायरेक्ट इम्पैक्ट्स कोविड नाइन्टीन के कारण लॉकडाउन और रिस्ट्रिक्शन की गई हैं uh, वो हमारी इकोनमी पर बहुत डेंजरस और लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट्स डाल रही हैं जैसे हमारी इकोनॉमी में डाउनफॉल आया है वर्ल्ड बैंक एस्टीमेट के अनुसार पूरे वर्ल्ड की इनकम ऑलमोस्ट 5.2 परसेंट श्रिंक करेगी और इसमें से इंडियन इकॉनमी भी हमारी कॉन्ट्रैक्ट करेगी बाय अराउंड 3.2 परसेंट इसके कारण जो एक्सपेक्टेड लॉस है वो अराउंड 8.5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास अज्यूम किया जा रहा है मीन्स इंडियन नेशनल इनकम का थ्री टाइम्स इसके फर्दर जो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट्स नजर आ रहे हैं वो है अनएम्प्लॉयमेंट ऑलमोस्ट 160 करोड़ लोग अपनी जॉब ऑलरेडी लॉस कर चुके हैं और 2.7 बिलियन पीपल कहीं ना कहीं मींस टू करोड़ लोग ऑलरेडी पार्शली इफेक्टेड हुए हैं ड्यू टू लॉकडाउन और रिस्ट्रिक्शन और इनकम बहुत लो लेवल पर चली गई हैं और उसका फर्दर इफ़ेक्ट ये होगा हमारी कंजम्पशन लेवल कम होगा और जो फर्दर प्रोडक्शन रिड्यूस करेगा उसका फर्दर नेगेटिव इफेक्ट आएगा हमारी एम्प्लॉयमेंट पर और दूसरी तरफ वो सिचुएशन जब टॉप बिलियनियर ने इस पर्टिकुलर पीरियड में गेन किया है 25 टॉप बिल्ज ने शेयर मार्केट की फ्लक्चुएशन से 255 बिलियन डॉलर्स अर्न कर लिए हैं एज पर फोब्स रिपोर्ट और यूएसए एंटरप्रेन्योर्स का टोटल गेन इंक्लूडिंग ऑल दीज ऑलमोस्ट 434 बिलियन डॉलर रहा है मींस उनकी जो इनकम है 15 परसेंट राइज़ हुई है कंपेयर टू प्रीवियस टाइम जस्ट इन टू मंथ्स तो हम जो जो चेंजेस की बात कर रहे हैं हम इन चेंजेस को मेजर कैसे करते हैं हमें कैसे पता चलता है कि ग्रोथ रेट फॉल कर रहा है हमें कैसे पता चलता है कि इकॉनमी में इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है अनएम्प्लॉयमेंट राइज कर रहा है प्रीवियस टाइम के कंपेयर टू और हमारी इनकम फॉल करेगी ड्यू टू कोविड नाइन्टीन और सम बिलीनियर्स को बेनिफिट हुआ है शेयर मार्केट्स में चेंजेस आई हैं हम ऑल दीज आस्पेक्ट्स को कैसे मेज़र करते हैं इनको मेजर करने का टूल है हमारे पास दैट इज इंडेक्स नंबर इंडेक्स नंबर प्रीवियस पीरियड्स के कंपैरेटिवली नए पीरियड में कैसी एवरेज चेंजेस आ रही है किसी पर्टिकुलर कमोडिटी और फैक्टर में उसको मेज़र करता है आज हम मेनली डिस्कस करेंगे ये हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है और इसके सम इम्पॉर्टेंट टाइप्स डिस्कस करेंगे वैसे तो इसके बहुत से टाइप्स हैं सभी को डिस्कस नहीं किया जा सकता और हम जब इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हमारे लिए क्या क्या प्रॉब्लम क्या, क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं इसकी लिमिटेशंस क्या हैं और इनको कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है ये मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करूँगा सबसे पहले वट इज़ इंडेक्स नंबर इंडेक्स नंबर एक स्टेटिस्टिकल टूल है मेज़र का जो किसी वेरिएबल में चेंजेस को मेज़र करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पर्टिकुलर जियर्स है उस जियर्स में जो कमोडिटीज़ का इंडेक्स नंबर हमें पता करना है हम उन सभी कमोडिटीज़ की वैल्यूज़ को 100 के कंपैरेटिवली बना लेंगे मीन उन वैल्यूज़ को रेशो वाइज़ 100 के इक्वल कर देंगे उसके बाद नेक्स्ट ईयर और इनकमिंग जियर्स हम उन वैल्यूज़ को अगेन काउंट करेंगे और देखेंगे हमारा सम हंड्रेड से ज़्यादा बन रहा है या कम और इक्वल अगर हंड्रेड से ज़्यादा बन रहा है तो हम कहेंगे उनकी वैल्यू और प्राइस और प्रोडक्शन जो भी हमने आ, अपना ऑब्जेक्ट लिया था वो राइज कर रहा है अगर सेम होगा हंड्रेड इट मीन्स कॉन्स्टेंट है अगर हंड्रेड से कम हो जाएगा तो हम कह रहे हैं कि उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है आ, नॉर्मली बेस ईयर एक नॉर्मल जीयर होता है जो एक नॉर्मल जियर्स में से हम एक पर्टिकुलर जीयर को सिलेक्ट करते हैं एट प्रेजेंट इंडिया में 2011 एंड 12 इज आवर बेस ईयर इसकी मेन कैरेक्टरस्टिक्स की अगर बात करें ये एक स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज है जो रिलेटिव चेंजेस को मेजर करती है इसको हम परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं आ, इसमें हम एक पर्टिकुलर पीरियड को किसी प्रीवियस पीरियड से या किसी अदर पीरियड से कंपेयर करते हैं जिस पीरियड से कंपेयर करते हैं दैट पीरियड इज़ कॉल्ड बेस ईयर और जिस ईयर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं दैट इज़ कॉल्ड करंट ईयर तो सबसे पहले हम इम्पॉर्टेंट टाइप्स डिस्कस करेंगे जो हम फर्दर कंस्ट्रक्ट करेंगे इंडेक्स इन, इन, नंबर हमारे पास बेसिकली जो मेन इम्पॉर्टेंट टाइप्स है जो ज़्यादा डिस्कशन की जाती है उसमें फर्स्ट है प्राइस इंडेक्स नंबर प्राइस इंडेक्स नंबर क्या करता है ये प्राइसिस में चेंजेस मेजर करता है विद रिस्पेक्ट टू बेस पीरियड राइट और ये टू टाइप्स का होता है फर्स्ट है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मीन्स वो प्राइसिस जो एक नॉर्मल जो है पर्सन कंज्यूमर शॉपकीपर से लेता है मीन्स एक नॉर्मल कंज्यूमर जब मार्केट में जाता है तो जो प्राइस उसे पे करनी पड़ती हैं दैट इज कंज्यूमर प्राइस और ये इंडिया में एट प्रेजेंट हम जो भी इन्फ्लेशन का एस्टिमेट लगाते हैं वो कंज्यूमर प्राइस के बेस पर ही लगाया जाता है और दूसरा होता है होल सेल प्राइस इंडेक्स वो प्राइस जो होल सेलर और मैनुफैक्चरर्स पे करता है ये प्राइसिस ईजली अवेलेबल हो जाती हैं इनका डाटा अवेलेबल ईजिली हो जाता है कंपेयर टू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स तो पहले हम इंडिया में होल सेल प्राइस इंडेक्स को एज ए इन्फ़्लेशन टूल यूज़ करते थे बिकॉज इसका डाटा वीकली अवेलेबल था हमारे पास लेकिन अभी हम जो इन्फ्लेशन का डाटा हो मंथली बेसिस पर बना रहे हैं बट इनमें कुछ अपनी वीकनेसेस थी उन वीकनेसेस को कवर uh, करने के लिए हमने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को इन्फ्लेशन का एस्टिमेट यूज़ किया है थर्ड uh, है इम्पॉर्टेंट जो हम इसमें स्टडी करेंगे दैट इज क्वांटिटी इंडेक्स इसमें हम प्रोडक्शन और कंजम्पशन को मेजर करते हैं कि एक पीरियड के कंपैरेटिवली दूसरे पीरियड में क्वांटिटी uh, प्रोडक्शन और कंजम्पशन में कितनी चेंजेस हुई हैं वैल्यू इंडेक्स मींस वैल्यू में चेंजेस होना मींस वैल्यू का मीनिंग होता है क्वान्टिटी इन प्राइस हम uh, उन कमोडिटीज़ की क्वान्टिटी और प्राइस को मल्टीप्लाई करने के बाद उनकी वैल्यू हमारे पास आती है अगर हम वैल्यू कंपेयर करेंगे दैन इट इज़ कॉल्ड वैल्यू इंडेक्स नंबर्स सबसे पहले हम इसकी इम्पोर्टेंस की डिस्कशन करते हैं आ, इसके बहुत से जूजेज हैं और सभी लोगों के लिए गवर्नमेंट के लिए बिजनेस मैन के लिए गवर्नमेंट के लिए फर्स्ट है पॉलिसी फॉर्मूलेशन गवर्नमेंट पॉलिसी डिसाइड करती है कि कैसी मॉनेटरी पॉलिसी फिस्कल पॉलिसी लानी है फॉर uh, एग्जांपल हमारे देश में इन्फ्लेशन चल रहा है तो वो मॉनेटरी पॉलिसी टाइट करने की कोशिश करेंगे मींस इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करने की कोशिश करेंगे और फिजिकल पॉलिसी टाइट करने की कोशिश की जाएगी मींस गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर कम करेगी और लोगों को पर टैक्स इंक्रीज करेगी इसको हम इकोनॉमिक बैरोमीटर की तरह मानते हैं इंडेक्स नंबर मेजर करता है कि हम इकोनॉमी वाइज हाई अप जा रहे हैं या डाउन साइड जा रहे हैं मीन्स हमारी ग्रोथ मेजरमेंट हमारी प्राइस मेजरमेंट वो सभी इंडेक्स नंबर के साथ ही होती है ये ट्रेंड्स को स्टडी करता है कि पीछे से अभी तक कैसा ट्रेंड चल रहा है अगर हमारी ग्रोथ हायर चल रही है तो मीन्स हम एक्सपेक्ट करेंगे कि फोरकास्टिंग कैसी होगी आने वाले टाइम में टाइम में ग्रोथ कैसी होगी जैसे अभी लास्ट ईयर से हमारी ग्रोथ कम हुई है तो उसकी फोरकास्टिंग अभी कंपेयर होनी शुरू हो गई है कि फर्दर हमारी ग्रोथ और रिड्यूस करेगी ड्यू टू तो कोविड ये और वर्ष जाएगी तो मीन्स ट्रेंड को देखते हुए ये फॉरकास्टिंग में हमारी हेल्प करता है इसमें जो चेंजेस को मेजर करता है और उनको कंपेयर करता है परचेजिंग पावर मेजर की जाती है अगर इन्फ्लेशन आ रही है इट मीन्स हमारी परचेजिंग पावर कम होती जा रही है और जो डिमांड मेजरमेंट में इंडेक्स नंबर एक मेन रोल प्ले करते हैं फर्दर इसकी इम्पॉर्टेंस है वैल्यू को डिफ्लेट करना डिफ्लेट करने का मीनिंग कि आज की प्रेजेंट वैल्यू को किसी और जियर के कंपैरेटिवली उसको फाइंड आउट करना फॉर एग्जांपल मेरे पास एक प्लॉट था मैंने आज से दस साल पहले उसको बाय किया था दो लाख में और आज मैं उसको दस लाख में बेच रहा हूं तो मैं नॉर्मली तो मुझे नज़र आ रहा है कि मेरा प्रॉफिट आठ लाख हो रहा है बट रियल प्रॉफ़िट मेरा आएगा मैं आज की दस लाख को पुराने जियर की वैल्यू में कन्वर्ट करूंगा तो कितनी वैल्यू बन रही है जब इसको कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए हम इंडेक्स नंबर को यूज़ करते हैं उसको हम डिफ्लेटिंग द वैल्यूज कहते हैं हमारी सेविंग स्कीम पर जब इंटरेस्ट रेट फिक्स किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा जैसे लाइक पीपीएफ केबीपी तो उसके लिए गवर्नमेंट देखती है कि आसपास में सिचुएशन कैसी है अगर इन्फ्लेशन चल रही है तो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किया जाएगा अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा नहीं चल रही तो इंटरेस्ट रेट को कम किया जाता है उसके लिए भी इंडेक्स नंबर्स को यूज़ किया जाता है इन्फ्लेशन uh, और डिफ्लेशन मेजरमेंट हम पहले ही बात कर चुके हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग हम पता करते हैं कि हमारी कॉस्ट ऑफ़ लिविंग कैसे चेंज हो रही है अगर प्राइस बढ़ रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ़ लिविंग इंक्रीज हो रही है तो उसको भी हम इंडेक्स नंबर से मेजर करते हैं गवर्नमेंट सैलरीज और अलाउंसेज को फ़िक्स करती है अभी प्रेजेंट में गवर्नमेंट ने डी को फ्रीज किया है तो उसके मीन्स उसको लगता है कि अभी इन्फ्लेशन ज़्यादा राइज नहीं हो रही तो इसलिए डी को रोक दिया गया है अलाउंस कितना देना है और कितना इंक्रीज करना है ये एज़ पर इंडेक्स नंबर ही फिक्स किया जाता है बिजनेस सेक्टर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस सेक्टर जो सभी डिमांड इन्वेस्टमेंट डिसीजन वो इंडेक्स नंबर को देखकर ही डिसाइड करता है पॉलिटिशियन uh, के लिए वो फर्दर क्या क्या चेंजेस करनी है क्या क्या डेटा आ रहा है कैसी सिचुएशन आ रही है ये पॉलिटिशियन फर्दर पॉलिसी फार्मूलेशन के लिए उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट टूल है और फॉरन ट्रेड मेजरमेंट हमारा एक्सपोर्ट राइज कर रहा है या फॉल कर रहा है इम्पोर्ट राइज कर रहा है या फॉल कर रहा है इन सभी की चेंजेस हम uh, जो भी है इंडेक्स नंबर के साथ ही इसको फाइंड आउट करते हैं अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि इनको कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं प्रॉब्लम टू कंस्ट्रक्ट नंबर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पेशली थेरोटिकल इसका क्वेश्चन नॉर्मली एग्जामिनेशन में पूछा जाता है तो स्पेशली जो स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो सबसे पहली प्रॉब्लम हमारे पास है कि हमने बेस पीरियड कैसे सिलेक्ट करना है मैंने आपको बताया था कि जब हम इंडेक्स नंबर मेज़र करते हैं तो उसका कंपैरिजन किसी बेस पीरियड किसी बेस ईयर के साथ करते हैं तो बेस पीरियड को डिसाइड करने के लिए हमें देखना पड़ता है कि वो पीरियड बेस ईयर लिया जाए जिस ईयर में ज़्यादा चेंजेस नहीं आई हों नॉर्मली नॉर्मल पीरियड रहा हो जैसे अभी हम अगर 2020 की बात करें तो ये बेहद चेंजेज़ वाला पीरियड है इसको बेस ईयर नहीं लिया जा सकता तो किस ईयर को सिलेक्ट करना है सम टाइम हम एक ईयर को सिलेक्ट करते हैं लेकिन उसके किसी पार्ट में चेंजेस आती हैं कुछ पार्ट नॉर्मल रहता है तो सिलेक्शन ऑफ बेस पीरियड इज़ द फर्स्ट बिगेस्ट प्रॉब्लम टू कंस्ट्रक्ट द इंडेक्स नंबर सेकेंड कॉम्यूडिटीज़ कौन कौन सी इंक्लूड करनी है कॉम्योडिटी इंक्लूड करने का मीनिंग जैसे किसी एरिया में कोई पर्टिकुलर कॉम्योडिटी यूज होती है जैसे नॉर्थ इंडिया में मिल्क बहुत इंपॉर्टेंट फूड है हमारे लिए तो लेकिन साउथ इंडिया में मिल्क की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है तो जब हम पूरे इंडिया के लिए बनाएंगे उसे ऐड किया जाए या जा उसको स्किप किया जाए तो ऐसी सिचुएशन कौन सा प्राइस लिया जाए रिटेल प्राइस लिया जाए या जा होलसेल प्राइस लिया जाए उनको वेट क्या असाइन करने हैं वेट मीन्स इम्पोर्टेंस जैसे मैंने अभी पुरानी एग्जांपल ली थी मिल्क की तो अगर हम नॉर्थ इंडिया के कंसर्न में देखते हैं तो उसको हाई वेट देना पड़ेगा लेकिन अगर हम साउथ इंडिया के कंसर्न में देखते हैं तो मिलक को हम लो वेट देंगे अभी कौन सी एवरेज सेलेक्ट करेंगे हमारे पास वेरियस एवरेज मेथड्स हैं उनमें से कौन सा सूटेबल है उसके लिए बिकॉज एवरी एवरेज मैथड है और डीमेरिट्स और डेली चेंजेस हो रही हैं समटाइम हम कुछ कमोडिटीज़ को इसमें इंक्लूड कर लेते हैं लेकिन चेंजेस के बाद उस कमोडिटी की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती है तो ऐसी सिचुएशन में आ, उनको कंस्ट्रक्ट करना डिफिकल्ट हो जाता है जे सभी पर्पस के लिए नहीं होते जे पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाए जाते हैं फॉर एग्जांपल अगर हमने इंडस्ट्री वर्कर के लिए बनाया है तो उसे हम एग्रीकल्चर वर्कर के लिए यूज़ नहीं कर सकते उसके लिए अलग कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा इंटरनेशनल कंपैरिजन नहीं किया जा सकता बिकॉज किसी देश में कोई प्रोडक्ट बहुत पॉपुलर होता है दूसरे देश में वो नहीं पॉपुलर होता लाइक इन यूरोप कार्स मीट प्रोडक्ट्स आर वेरी पॉपुलर कंपेयर टू इंडिया तो इंडिया में वो हो सकता है इंडेक्स नंबर का हिस्सा ना हो लेकिन यूरोप में वो इंडेक्स नंबर का पार्ट होगा तो डिफरेंट प्लेसेस को कंपेयर नहीं किया जा सकता अभी केरला और पंजाब में हम मिल्क कंजम्पशन को कंपेयर नहीं कर सकते और ये इंडिविजुअल के बेसिस पर नहीं होता ये ग्रुप ऑफ आइटम्स और ग्रुप ऑफ पीपल के लिए होता है तो हम एक इंसान उस पर कोई इफेक्ट हो सकता है उसका कोई चेंजेस आया उसे हम इसमें नोट नहीं करेंगे हम तो ग्रुप के तौर पर इसे लेंगे तो ये थी हमारी मेन प्रॉब्लम टू कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे लिमिटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर ये सिर्फ रिलेटिव चेंजेस मेजर करता है ये एब्सोल्यूट वैल्यू पता नहीं करता ये दो जीयर्स को कंपेयर करेगा लेकिन प्रीवियस में क्या एग्जैक्ट वैल्यू थी करंट में क्या है ये नहीं बताएगा परफेक्ट एक्यूरेसी नहीं होती उसका कारण है डेटा डेटा हमें एक्यूरेट डेटा अवेलेबल करना बहुत मुश्किल है परपज़ और मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन में हमेशा वेरिएशन रहती है हम क्वालिटेटिव चेंजेस इग्नोर करते हैं मींस हमने ये तो देख लिया कि प्राइसेस राइज करें बट उन प्राइजेज का हमारी लाइफ पर क्या इफेक्ट हुआ अभी हम बिलीनियर की बात की तो उनके लिए ये बेनिफिशियल था दूसरे लोगों के लिए नुकसान देता जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी आदमी की इनकम बढ़ गई लेकिन वो इनकम बढ़ने के बाद उसको अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में चेंज नहीं कर रहा वो अच्छी स्टडी नहीं दे रहा बच्चों को वो हेल्थ पर स्पेंड नहीं कर रहा हाँ वो लेकिन वो पार्टियों में एंजॉय कर रहा है तो ऐसी सिचुएशन में उसका क्वालिटेटिव चेंजेस हुआ कि नहीं हुआ ये हमें इंडेक्स नंबर नहीं बताएगा हाँ बिकॉज ये डाटा बेस्ड है तो मैनिपुलेशन पॉसिबल है तो इसमें बहुत सा मिस डाटा प्रेजेंट कर दिया जाता है आ, बेस पीरियड और बेट सिलेक्शन में सम टाइम हम आ, एरर हो जाती है हम बेस पीरियड रॉन्ग सेलेक्ट कर लेते हैं जो वेटेज है उसको रॉन्ग वे से प्रेजेंट करते हैं तो उसका रिजल्ट फिर उतना रियल नहीं आएगा लॉन्ग पीरियड के लिए ये सूटेबल नहीं है ये शॉर्ट पीरियड्स में कंपेयर करने के लिए पॉसिबल है इसलिए हमें एवरी फोर फाइव ईयर के बाद इसका बेस पीरियड चेंज करना पड़ता है ये अदर पर्पसेस के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता अगर मैंने इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए इंडेक्स नंबर बनाया है तो उनकी वेजेस से कंसर्न होगा उसे मैं एग्रीकल्चर के लिए यूज़ नहीं कर सकता आई होप आपको जो बेसिक इंट्रोडक्शन है इंडेक्स नंबर की वो क्लियर होगी नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको मैं इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करना सिखाऊंगा विद द हेल्प ऑफ वेरियस मैथड्स थैंक यू वेरी मच गॉड ब्लेस यू टेक केयर